हाँ मम्मी, इस बार रक्षा बंधन में मैं नहीं आ पाऊंगी, ट्रेन में रिजर्वेशन ही नहीं मिला। उसमें तुम्हारी गलती है, समझी? तुम्हारे लिए एक सीट मिल रही थी, लेकिन तुम बोल रही थी कि मैं भी चलूं। लो, मेरी मम्मी से बात करो। मैं समझ रहा हूँ कि पति की बात सेनापति से क्यों कराना चाह रही हो। कौन सेनापति? तुम्हारी मम्मी, और कौन? हाँ तो मेरे पति, बात करो ना सेनापति से, डर क्यों रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता, मैं खुद लगा लूंगा फोन, बोल दो अपनी मम्मी से। हाँ मम्मी, बोल रहे हैं वो खुद लगाएंगे फोन। हाँ ठीक है, छोटा भीम कहाँ है? छोटा भीम बड़े भीम का इंतजार करते करते थक के सो गया। यहीं रुकना, मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रभु, जरूरी बात करनी है? अब ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा तो करेगी नहीं। पत्नी के पास पति को सुनाने के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। घर लेट क्यों है? घर में लेटे क्यों हो? फोन में किससे बात कर रहे थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, बस मन हल्का कर रहा था। ये बताओ, मेरी मम्मी से बात करने में इतना डरते क्यों हो? देखो, तुम्हारी मम्मी सीधे मुझसे बात करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब तुम गाड़ी में चाबी पहले भर देती हो और फिर मुझे सामने खड़ा करती हो। हाँ तो जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो अपना दुख किसी से तो बांटूंगी ना। तुम खूब दुख बांटो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दुख बांटती तुम हो और चटनी मुझे खाने को कहती हो। चटनी? हाँ, जब दुख इतना बांटोगी तो उसकी चटनी तो बनेगी ना। चलो तो अब मेरी मम्मी को फोन लगाओ। अभी नहीं लगाऊंगा। तो कब लगाओगे? जब फ्री होऊंगा। कलेक्टर साहब, आपकी कुर्सी कहाँ है? क्या? नहीं, अभी फ्री नहीं है ना, तो कलेक्टर तो होंगे ही आप। समझ रहा हूँ, मुझे ताना मार रही हो ना, लेकिन मैं कलेक्टर नहीं हूँ तो क्या हुआ, मेरे पास भी बहुत काम है। अच्छा, तुम्हें पता भी है एक कलेक्टर पूरे जिले को संभालता है? उस हिसाब से हर पति को मुख्यमंत्री कहना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी एक राज्य के बराबर तो है ही। अच्छा, और ये छोड़ो, किन्हीं शादीशुदा कलेक्टर साहब से जाके पूछना कि पूरे जिले को संभालना मुश्किल है या अपने पूरे घर को। ये बताओ, राखी में मेरे साथ मेरे मायके चलते तो क्या हो जाता? देवी जी, एक ही सीट खाली थी, मैं कहाँ बैठ के जाता? उसी सीट में बैठ जाते दोनों। नहीं, इतना एडजस्ट नहीं करना मुझे। बस इसीलिए कह रही हूँ, मेरी मम्मी से बात कर लो, उन्हें भी समझा दो। वो 20 साल बड़ी हैं मुझसे, खुद समझदार हैं। तुमको मन से नहीं लगता कि रक्षाबंधन साल में एक बार आता है तो मुझे राखी बांधने मेरे मायके जाना चाहिए? क्या बात कर रही हो, मुझे तो रोज लगता है कि तुम्हें मायके जाना चाहिए। अब तुम ही नहीं जाओ तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारा रिजर्वेशन था, तुम नहीं गई, इसमें मेरी गलती है। हाँ तुम्हारी गलती है। ट्रेन में एक ही सीट थी, बस तुम जा सकती थी, नहीं गई, इसमें मेरी गलती है। हाँ तुम्हारी गलती है। चीन और ताइवान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, इसमें मेरी गलती है। हाँ तुम्हारी गलती है। क्लियर हो गई बात, तुम्हें हर जगह मेरी गलती दिखती है। नहीं, वो लास्ट वाला ध्यान से सुना नहीं मैंने। नहीं नहीं, सही बोला तुमने, कल मोहल्ले भर की लाइट चली गई थी, उसमें भी मेरी गलती है। पड़ोस के जिले में जो बाढ़ आई है, उसमें भी मेरी गलती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से हजारों साल बाद ये सूरज बुझ जाएगा, तब मैं रहूं ना रहूं, उसमें भी मेरी गलती होगी। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि मेरी मम्मी से एक बार बात कर लो और उन्हें बता दो कि मैं रक्षाबंधन में मायके क्यों नहीं गई। तो मैं करूंगा बात, बोला तो, लेकिन अभी नहीं। फिर वही बात, अभी क्यों नहीं? क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है।
हाँ तो इसलिए तो बोल रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हारा ही काम है। अच्छा पॉइंट है, लेकिन समझो बात को। नहीं करोगे फोन? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। हाँ कुछ देर बाद करूंगा। अभी फोन नहीं करोगे? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो हाँ या ना। जो समझ सकते हैं समझते हैं कि खामोशी में भी एक जवाब होता है। मतलब ना है ना? क्या हुआ भाभी, कौन सा सवाल पूछ रही हैं आप? मनोज जी मैं बोल रही हूँ इनसे, मेरी मम्मी से बात कर ले, नहीं कर रहे हैं? विक्रम भाई कर लीजिए बात, सासू माँ भी माँ ही होती हैं। लेकिन अगर दामाद के बात करने से पहले बेटी ने बात की हो सासू माँ से, कान भरे हो सासू माँ के, फिर क्या होती है? फिर तो वो बेटी की वकील होती हैं। थैंक यू, आज की अदालत बर्खास्त होती है।